गुजरात ने, और गुजरात ने टॉस जीत करके किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और पहले बल्लेबाजी करते हुए धुआंधार तरीके से उन्होंने 200 के आगे रन को खड़ा कर दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी स्कोर कार्ड। तो ये रहा स्कोर कार्ड गुजरात जायंट्स का। 20 ओवर पे गुजरात जायंट्स का स्कोर 201 रन है 7 विकेट के नुकसान पे। तो शुरुआत की मेघना और सोफिया डंकली ने, और डंकली ने क्या शानदार बल्लेबाजी दिखाई। इस WPL का, इस टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, मात्र 18 गेंदों पे उन्होंने अर्धशतक जड़ा था। उन्होंने 28 गेंदों पे बनाए 65 रन, वहीं मेघना ने 11 गेंदों पे 8 रन बनाए थे। हरलीन देओल की पारी बहुत ही शानदार रही, उन्होंने 45 गेंदों पे 67 रन बनाए, और वहीं एशली गार्डनर ने 15 गेंदों पे 19 रन बनाए। हेमलता ने 7 गेंदों पे 16 रन, अनावेल सदरलैंड 8 गेंदों पे 14 रन, स्नेह राणा रन आउट हो गई थी सस्ते में 2 रन पे, किम गार्थ नाबाद रही 3 पे, और सुषमा वर्मा ने 2 गेंदों पे बनाए 5 रन। वहीं अगर हम बात करें गेंदबाजी की, तो मेगान शूट RCB की तेज गेंदबाज ने 3 ओवर की गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 3 ओवर पे 26 रन दिए और एक सफलता उन्हें मिली। एलिस पेरी को आज कोई भी सफलता नहीं हाथ लगी, उनके 4 ओवर से 43 रन आ गए। वही रेणुका सिंह ठाकुर ने 4 ओवर पे 36 रन दिए और एक सफलता उन्हें मिली। प्रीति बोस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, 3 ओवर पे आए 47 रन। वहीं श्रेयांका पाटिल की अच्छी गेंदबाजी रही, उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की 32 रन देकर के 2 सफलताएं हासिल की, और हेदर नाइट को 2 ओवर पे 17 रन देकर के 2 सफलताएं हासिल हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है RCB की बल्लेबाजी की, और RCB को जीतने के लिए बनाने हैं 202 रन 120 गेंदों पर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात वुमेन्स की टीम ने बना लिए 201 रन, और बहुत ही शानदार पारी रही डंकली और हरलीन देओल की। रेंचेज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। डंकली और हरलीन के आक्रामक अर्धशतकों की मदद से गुजरात ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है, और अगर बेंगलुरु को 2 अंक कमाने हैं तो उसे इस रिकॉर्ड लक्ष्य को हासिल करना होगा। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस पिच पे जो गेंद है वो अच्छी तरीके से बल्ले पे आ रही है, तो देखा जाए तो जो पिच है यह बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अनुकूल माना जा रहा है। तो ऐसे में देखना है किस प्रकार की हमें बल्लेबाजी देखने को मिलती है RCB की तरफ से। RCB अपने 2 मुकाबले को हार के आ रही है, तो ऐसे में हर हाल में कोशिश करेगी इस मुकाबले को जीतने की। वहीं गुजरात की भी बात करें तो गुजरात को भी 2 मुकाबलों पे हार ही मिली है, ऐसे में गुजरात अपनी पहली जीत की तरफ हर हाल में बढ़ना चाहेगी। चलिए अब देखना है क्या होगा, स्नेह राणा की कप्तानी में गुजरात की टीम क्या इस रन चेज को चेज करने में बेंगलोर को रोक पाती है या नहीं। स्मृति मानधना पहुंच चुकी है अब क्रीज पे। स्मृति मानधना एक शानदार खिलाड़ी, 248 मैचेस में 6000 से ज्यादा रन है उनके करियर में, और हम देख पा रहे हैं किम गार्थ आ गई हैं गेंदबाजी के लिए। 156 मुकाबलों पे 149 विकेट है, देखना है क्या 150वां विकेट यह अपना आज ले पाती है या नहीं। तो तेज गेंदबाज किम गार्थ गेंदबाजी पे हैं, और बल्लेबाजी पे रहेंगी स्मृति मानधना। अब खेल की शुरुआत हो रही है दोस्तों, बहुत ही शानदार खेल हम देखने वाले हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर के आती हुई स्मृति मानधना के लिए किम गार्थ, जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। तो चलिए ओवर की पहली गेंद आती हुई, पहली गेंद पे बीट हुई ही स्मृति मानधना, गेंद सीधा गई है विकेट कीपर के पास। तो 119 गेंदों पे RCB को जीतने के लिए बनाने हैं 202 रन। ओवर की दूसरी गेंद आने वाली है किम गार्थ की तरफ से, तेज गेंदबाज किम गार्थ आती हुई सामने है स्मृति मानधना, और ये लीजिए रन की शुरुआत चौके के साथ। दूसरी ही गेंद पे बहुत ही शानदार पुल, ओ चौका नहीं मिला है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हो गई है दोस्तों। फाइन लेग की दिशा पे 2 ही रन मिल पाएगा, शानदार फील्डिंग वहां पे खड़ी फील्डर के द्वारा, बिल्कुल चौके को बचा लिया गया है। तो किम गार्थ जिन्होंने
तीसरे मुकाबले पे यूपी के खिलाफ 5 सफलताएं हासिल की थी। देखना है आज कैसी रहती है इनकी गेंदबाजी। बहुत ही शानदार गेंदबाज है किम गार्थ, करेंगे अपना अगला गेंद स्ट्राइक पे स्मृति मानदना। ओवर की तीसरी गेंद लेकर के आती हुई गार्थ, और ये लीजिए अगली गेंद हो गई है वाइड, तो उस वाइड के साथ स्कोर बढ़कर के हो चला है 3 रन का। एक स्लिप खिलाड़ी को लगा दिया गया, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पे खड़ी है स्मृति मानदना के लिए। अगली गेंद के साथ आते हुए किम गार्थ ओवर की दूसरी गेंद करेंगी। सामने है बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मानदना। यॉर्कर लेंथ की गेंद पैडों पे लगी है और इस गेंद को फाइन लेग की दिशा पे खेल दिया है। क्या गेंद जाएगी 4 रन के लिए। जी हां, गेंद पहुंच गई है 4 रन के लिए लेग बाय पे चौका आता हुआ। तो 3 गेंदों पे आरसीबी का स्कोर हो गया है 7 रन का। 117 गेंदों पे अब आरसीबी को जीतने के लिए बना रहे 195 रन। सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। हमारे साथ नितिन शर्मा जुड़ चुके हैं, पीएन वैभव फैक्ट जुड़ चुके हैं, अमान यादव जी जुड़ चुके हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा सभी मित्र। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, इस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा पे, डीप कवर पे फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलता हुआ स्मृति मानदना को, और अब स्ट्राइक पे डिवाइन आएंगी। पॉइंट और कवर की रीजन पे फील्डर को लगाया अभी अभी किम गार्थ की गेंद पे कप्तान श्री राणा ने। गार्थ की 5वीं गेंद स्ट्राइक पे डिवाइन। ओवर दी विकेट साथ ही गेंदबाज किम गार्थ, एक स्लिप खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट, एक कवर और एक एक्स्ट्रा कवर पे मौजूद। वही एक मिड ऑफ पे भी खिलाड़ी को रखा गया है। अगली गेंद, और ये लीजिए इस गेंद को कवर और पॉइंट के बीच से निकाल दिया है, मिलेगा 1-2 रन। डीप कवर पे भी एक खिलाड़ी मौजूद, तो ऑफ स्टंप पे काफी पहरा रखा गया था डिवाइन के लिए। 5 गेंद बीच जाने के बाद आरसीबी का स्कोर है 9 रन का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। विकास कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका स्वागत है। अगली गेंद किम गार्थ की आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, इनके सामने है आरसीबी की कप्तान स्मृति मानदना। ओवर द विकेट साथ ही गेंदबाज इस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा पे, 1 ही रन मिल पाएगा। 1 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी का स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर से है 9 रन, और अब यहां से 114 गेंदों पे आरसीबी वुमन को जीतने के लिए बनाने 193 रन। करंट रन गति है 9 की, रिक्वायर्ड रन रेट है 10.16 की। तो चलिए देखना है क्या यहां पर इस बड़े चेज को हासिल करने में कामयाब हो पाती है आरसीबी की टीम या नहीं। और दोस्तों 588 लोगों ने वीडियो को लाइक किया, देखना है क्या 12 और लोग मिलकर के अगले 2 ओवर के अंदर लाइक को बढ़ा पाते हैं या नहीं, और लाइक को 600 के पार कर पाते हैं या नहीं। दूसरे ओवर की होगी शुरुआत, देखना है कौन आती है गेंदबाजी पर। स्ट्राइक पे डिवाइन, 590-591, क्या बात है दोस्तों, आप सभी मित्रों ने तुरंत ही लाइक करना शुरू कर दिया, देख के काफी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। 592 भी हो गया है, 8 ही लाइक बाकी, हम लोग 600 लाइक से, और 600 लाइक होती है आपकी पसंदीदा धुन भी बजाएंगे। तो चलिए अब कवर को थमा दिया गया है गेंद, कवर अपने पहले ओवर के साथ स्पिन गेंदबाज है, बाएं हाथ से गेंदबाजी करती है, बिल्कुल कुलदीप यादव की याद दिला देती है जिस प्रकार की वह गेंद डालती है। पहली गेंद, इस गेंद को मिड ऑन की दिशा पे खेला डिवाइन ने सिंगल के लिए, और अब स्ट्राइक पे मानदना आ चुकी हैं। तो एशली गार्डनर इस वक्त हम देख पा रहे हैं लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पे फील्डिंग करती हुई। तो चली तवर अपने दूसरी गेंद के साथ, स्ट्राइक पे कप्तान स्मृति मानदना। 596 लाइक्स हो गए हैं, 4 लाइक दूर हम लोग 600 लाइक से। और की अगली गेंद के साथ आती हुई तवर, और ये लीजिए इस गेंद पे बहुत ही शानदार शॉट खेला है, आगे बढ़कर के लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, मिड ऑफ पिक के फील्डर से मिस्टेक हुई है, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ पे 4 रन के लिए। ऐसा लगा मानो मिड ऑफ पे फील्डर अगर चाहता तो कैच ले सकता था।
तो वहां की फील्डर इस कैच को लेने में नाकामयाब रही और गेंद गई सीधा 4 रन के लिए। यहां दोस्तों फील्डर के ठीक पहले गिरी है गेंद और ऐसे में चौका मिलता हुआ स्मृति मांदना को। अगली गेंद एक बार फिर से इस गेंद को खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र पे, फील्डर ने इस गेंद को रोक लिया है, कोई रन नहीं मिलता हुआ। 1.3 ओवर के बाद RCB 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। चौथी गेंद के साथ कवर आती हुई सामने है मांदना। डिलीवरी, इस गेंद को उठा करके खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, गेंद हवा पे है और लग रहा है कि गेंद जाएगी 4 रन के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्मृति मांदना का चौका आता हुआ। तो 2 चौके लग चुके हैं इस ओवर पे। 1.4 ओवर के बाद RCB का स्कोर है 18 रन का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 110 गेंद बाकी है, जीतने के लिए चाहिए 184 रन। 5वीं गेंद लेकर के आती हुई कवर, स्ट्राइक पे स्मृति मांदना। कमर की 5वीं गेंद, टाइट डिलीवरी, एक बार फिर से बड़ा शॉट, इस बार गेंद हवा पे है, स्ट्रेट की दिशा पे गेंद गई है और ये लीजिए ठीक सीमा रेखा के पास फील्डर मौजूद, एक ही रन लेने का मौका। सदरलैंड ने एक अच्छी फील्डिंग की है। 1.5 ओवर बीत जाने के बाद RCB का स्कोर 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और अब सोफिया डिवाइन आ चुकी है बल्लेबाजी पे, सामना करेंगी कवर की आखिरी गेंद का। डिलीवरी, मिडिल स्टंप की लाइन, इस गेंद को लॉन्ग ऑन पे खेला है 1 रन के लिए। तो 11 रन आए कवर के इस ओवर से। 2 ओवर बीत जाने के बाद RCB का स्कोर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो यहां से अब 18 ओवरों पे RCB को जीतने के लिए 182 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट है 10.11 का, करंट रन गति है 10 की। तो अब तक अच्छी शुरुआत मिली है RCB को, देखना है तीसरे ओवर पे क्या कुछ होता है। किम गार्थ अपने दूसरे ओवर के साथ आ रही हैं, इनके सामने है सोफिया डिवाइन। और पहली गेंद, बड़ा शॉट, बल्ले का बाहरी हिस्सा और गेंद गई 4 रन के लिए थर्ड मैन की दिशा की तरफ। अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा पाने में कामयाब तो जरूर हुई थी कार्थ, पर गेंद गई तेजी के साथ थर्ड मैन की दिशा पे, वहां कोई फील्डर नहीं और इसमें 4 रन मिलता हुआ डिवाइन को। ओवर की दूसरी गेंद करते हुए गार्थ, सामने है डिवाइन। और ये लीजिए एक और चौका, शॉर्ट पिच डिलीवरी, बेहतरीन पुल, गेंद गई मिड विकेट की दिशा की तरफ, मिलेगा चौका। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके। तो चलिए, लगातार 2 गेंदों पर चौका आया है। हमारे साथ लाल बहादुर महतो जी जुड़ चुके हैं, अमन यादव जी जुड़ चुके हैं, सभी मित्रों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और की तीसरी गेंद किम गार्थ की, स्ट्राइक पे है डिवाइन। 2 गेंदों पे 2 चौके आ चुके हैं, देखना है अगली गेंद पे क्या होता है। अगली गेंद, इस गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा पे, फील्डर के पास गई गेंद, कोई रन लेने का मौका नहीं। 2.3 ओवर बीत जाने के बाद RCB का स्कोर है 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मांदना ने 9 गेंदों पे 12 रन बनाए हैं। ओवर की चौथी गेंद के साथ किम गार्थ आती हुई सामने है डिवाइन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस गेंद को खेला मिड ऑफ, और ऐसा लग रहा है कैच पकड़ा गया, जी नहीं, कैच ड्रॉप हो गया है। मिड ऑफ के फील्डर के ठीक पहले गिरी गेंद और यहां पे जीवन दान मिलता हुआ डिवाइन को।
2.4 ओवर, आरसीबी 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और दोस्तों गेंद बल्ले से टकराने के बाद जमीन पे जाकर के लगी थी, वैसे में भी नॉट आउट ही दी जाती। अगली गेंद के साथ आते हुए किम गार्थ, सामने है डिवाइन, ओवर द विकेट आ रही तेज गेंदबाज, ऑप्शन के बाहर की गेंद, आउटस्विंग डिलीवरी, इस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा पे, डीप कवर पे फील्डर मौजूद, एक रन मिलता हुआ बल्लेबाज डिवाइन को। उन्होंने अब तक 8 गेंदों पे 12 रन बनाए, वहीं स्मृति मानदना का भी स्कोर 9 गेंदों पे 12 रन का ही है। ओवर की अंतिम गेंद आती हुई, अब तक इस ओवर पे 9 रन आए हैं। पहली 2 गेंदों पे चौका लगने के बाद किम गार्थ ने बाकी 3 गेंदों को बहुत ही अच्छी तरीके से डाला है। डालेंगी इस ओवर की अंतिम गेंद, स्ट्राइक पे है स्मृति मानदना। और ये लीजिए आखिरी गेंद पे भी चौका, बहुत ही शानदार शॉट, एक्स्ट्रा कवर पे ताकतवर चौका लगाती हुई स्मृति मानदना। तीन ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी विमेन का स्कोर हुआ 33 का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो यहां से अब 102 गेंदों पे बनाने 169 रन हर एक ओवर पे बनाने, 9.94 की रफ्तार से फिलहाल 11 रन प्रति ओवर की औसत से रन बन रहे हैं, और आरसीबी ने 3 ओवर पे ही बना डाले हैं 33 रन। तो क्या आरसीबी आज अपने पहले जीत की तरफ बढ़ रही है? और ये लीजिए 600 से ज्यादा मित्रों ने वीडियो को लाइक किया है, तो इसी बात पे बजाते हैं आपकी पसंदीदा धुन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए अब चौथे ओवर पे देख रहे हैं कौन आती है गेंदबाजी पे। तो कवर आ रही है, माफ कीजिएगा गार्डनर आ रही है कवर के स्थान पे। तो चलिए अब एशली गार्डनर करेंगी गेंदबाजी, इनके सामने है डिवाइन। ओवर की पहली गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, लेग स्टंप की लाइन, रूम बनाया, इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा पे, मिल जाएगा चौका। लगातार चौके आते जा रहे हैं आरसीबी की बल्लेबाजों की तरफ से। 3.1 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी का स्कोर 37 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 101 गेंद जीतने के लिए चाहिए 165 रन। अगली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, इस गेंद को खेला है पॉइंट पे, फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया है पॉइंट पे खड़े फील्डर ने, रन लेने का मौका नहीं। तो चलिए देखना है एशली गार्डनर क्या विकेट ले पाने में कामयाब हो पाती है नहीं। डालेंगे ओवर की तीसरी गेंद, स्ट्राइक पर है डिवाइन। फ्लाइटेड डिलीवरी, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ, इस गेंद को कुछ हद तक रोकने में कामयाब रही गार्डनर, गति को रोक दिया और ऐसे में मिड ऑफ की फील्डर ने आसानी के साथ गेंद को रोका है, और इस बीच एक रन लेने का मौका डिवाइन के पास। स्ट्राइक पर अब स्मृति मानदना आती हुई। ओवर की चौथी गेंद करेंगी गार्डनर, स्ट्राइक पे है स्मृति मानदना। राउंड विकेट से गेंदबाजी, ऑफ स्टंप की लाइन, इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा पे, एक रन मिलने का मौका, रन आउट होने की संभावना, पर थ्रो काफी दूर था गेंदबाज से, नन स्ट्राइकर एंड के काफी दूर थी यह थ्रो, और ऐसे में रन आउट होते होते बच गई स्मृति मानदना। 3.4 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी का स्कोर 39 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। गेंद, इस गेंद को खेला है कवर की दिशा पे, मिड ऑफ की दिशा पे, फील्डर ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की वहां पे खड़ी फील्डर मानसी ने, कोई रन लेने का मौका नहीं। ओवर की अंतिम गेंद आ रही है एशली गार्डनर की, अब तक सिर्फ 6 रन आए हैं इस ओवर से, तो काफी किफायती गेंदबाजी रही, देखना आखिरी गेंद पे क्या होता है। फ्लाइटेड डिलीवरी, इस गेंद को खेला है मिड ऑन पे, एक और अच्छे सिर्फ सिंगल के लिए, तो एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई गार्डनर की तरफ से, सिर्फ 7 रन आए हैं इस ओवर से, तो पावर प्ले के दौरान 7 रन आना एक अच्छे ओवर की संकेत है। 4 ओवर बीत गए हैं और आरसीबी का स्कोर है 40 का बिना कोई नुकसान के, यहां से 96 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए 162 रन। चलिए अब 5वें ओवर पे देखना है किसे गेंद थमाती है। स्नेह राणा जो कि कप्तान है आज के मुकाबले पे गुजरात की, 202
दो रनों का टारगेट है और फिलहाल 40 रन बन चुके हैं। पांचवें ओवर की शुरुआत, देखना है कौन आ रही है गेंदबाजी पे। तो ऐसा लग रहा है कि किम गार्जिनी सदरलैंड आ गई हैं, एनाबेल सदरलैंड आ चुकी हैं गेंदबाजी पे, अपना पहला ओवर करेंगी। इनके सामने है बल्लेबाज डिवाइन, पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला इस पहले की दिशा पे एक रन के लिए। ओह, दूसरे रन के लिए भाग पड़ी है और ऐसा लग रहा चौका हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पहली गेंद से आ गया है चौका। तो मिस फील्डिंग हुई डीप पे और ऐसे में चार रन ले पाने में कामयाब डिवाइन। इनका स्कोर हो चला है 22 का, 4.1 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी का स्कोर है 44 बिना कोई नुकसान के। दूसरी गेंद के साथ सदरलैंड आती हुई सामने है डिवाइन। दूसरी गेंद आती हुई और ऐसा लग रहा है कि हम अंपायर चेक कर रहे हैं बाउंड्री को, पर साफ चौका है। इसमें अंपायर का इशारा आ चुका है चौके का। सदरलैंड अपनी दूसरी गेंद के साथ सामने है डिवाइन और ये जी एक और चौका, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा पे। बहुत ही शानदार शॉट डिवाइन के बल्ले से आता हुआ, दो गेंदों पे लगातार दो चौके। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है बेंगलोर की, 94 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए 154 रन। तो फिर डिवाइन 15 गेंदों पे बना लिए हैं 26 रन, सामना करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का। और ये लीजिए अगली गेंद पे एक और चौका, गेंदबाज के ठीक सर के ऊपर से गेंद गई है तीसरे चौके के लिए। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हो गए हैं आरसीबी के, तो काफी महंगा ओवर आता हुआ सदरलैंड की तरफ से। 4.3 ओवर के बाद आरसीबी 52 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। सदरलैंड की चौथी गेंद स्ट्राइक पे रहेंगी डिवाइन। चलिए देखना है अब क्या करेंगे सदरलैंड। फुल टॉस डिलीवरी, खेल दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पे, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, मिलेगा एक रन। फुल टॉस गेंद थी, कहीं अंपायर नो बॉल तो नहीं देंगे। जी नहीं, नो बॉल का इशारा नहीं आया है। 4.4 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी का स्कोर है 53 रन का। ओवर की पांचवी गेंद के साथ सदरलैंड आती हुई सामने है मांदना। काफी घातक तेज गेंदबाज हैं सदरलैंड। शॉर्ट पिच डिलीवरी, पुल कर दिया गेंद को, मिड विकेट की दिशा पे गेंद तेजी से जाती हुई ऊपर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, चौके को बचा लिया गया है, एक ही रन मिलेगा। 4.5 ओवर, आरसीबी 54 बिना कोई नुकसान के। तो डंकली ने शानदार डाइव मारते हुए गेंद को रोक लिया है। मांदना ने अब तक 12 गेंदों पर 18 रन, वहीं दूसरी छोर पे डिवाइन ने 17 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं। तो आखिरी गेंद का सामना करेंगी सोफिया डिवाइन, गेंदबाजी पे है सदरलैंड। सदरलैंड के इस ओवर पे काफी रन गए, आखिरी गेंद पॉइंट पे गई गेंद, कोई रन लेने का मौका नहीं। तो इस ओवर से 14 रन आ चुके हैं, 5 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी का स्कोर 54 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तो सभी मित्रों से मैं बार बार आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
तो चलिए अब देखना है कौन होगी वह गेंदबाज जो निकालेंगी पहला विकेट। चलिए गार्डनर आ गई हैं गेंदबाजी पर अपना दूसरा ओवर करने के लिए। पहली गेंद, कोई रन नहीं आता हुआ पहली गेंद से। 5.1 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी का स्कोर है 54 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। और इस बीच अगली गेंद हवा पे है, गेंद पकड़ ली जाएंगी। स्मृति मानदना एक बार फिर सस्ते में हो गई है आउट। 14 गेंदों पे 18 रन बना करके गार्डनर के हाथों कैच हो गई स्मृति मानदना। तो आरसीबी को बड़ा झटका, सलामी बल्लेबाज आरसीबी की कप्तान स्मृति मानदना 18 रन बना करके कैच आउट हो गई हैं। 5.2 ओवर के बाद आरसीबी विमन का स्कोर 54 रन एक विकेट के नुकसान पे। तो गार्डनर को मिली पहली सफलता। और जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले गेंद को कौन खेलने वाला है। तो अब स्मृति मानदना के आउट होने के बाद फिलहाल यहाँ अब बल्लेबाजी पे एलिस पेरी लग रहा आ रही हैं। यहाँ दोस्तों एलिस पेरी हैं अगली बल्लेबाज, सामना करेंगी गार्डनर का। गार्डनर वर्सेस पेरी, पहली गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है पेरी ने, कोई रन नहीं आता हुआ। तो बिल्कुल शेन वाटसन की तरह खिलाड़ी हैं, अच्छी तेज गेंदबाज होने के साथ साथ अच्छी टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज भी हैं पेरी। 328 मैचेस का इनका अनुभव है T20 में, बहुत ही अनुभवी। और ये लीजिए आते ही चौका भी जड़ दिया है एलिस पेरी का, बेहतरीन चौका आता हुआ। 5.4 ओवर पे आरसीबी विमन 58 रन एक विकेट के नुकसान पे। 86 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए 144 रन। अगली गेंद पेरी की, विकेट डिलीवरी, अंदर आते हुए गेंद, कलाई के साथ गेंद को मोड़ा है इसका, लेकिन दिशा पे मिलेगा 1 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की, अब तक 5 रन है और एक सफलता भी मिली है गार्डनर को। ऑप्शन के बाहर की गेंद, खेला है कवर पे, फील्डर के पास सीधा, गेंद गया, कोई रन नहीं आता हुआ। आखिरी गेंद से 5 रन मात्र आए हैं इस ओवर से और एक सफलता भी मिली है गार्डनर को। 6 ओवर बीत गए हैं और 6 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर है 59 रन एक विकेट के नुकसान पे। छह ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 59 रन एक विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर की होगी शुरुआत, देखने कौन आती है गेंदबाजी पे। कंवर को गेंद थमा रही है वहां की कप्तान स्नेह राणा। अपना दूसरा ओवर करेंगी तनुजा कंवर, सामने है बल्लेबाज डिवाइन। पेरी थी बल्लेबाजी पे और पेरी ने अभी अभी मिड ऑन पे एक सिंगल ले लिया है स्ट्राइक पे। अब आएंगी डिवाइन। चलिए 6.1 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी का स्कोर है 60 रन का एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, इस गेंद को खेला है मिड ऑफ की दिशा पे, मिस फील्डिंग हुई है पर लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, मिलेगा 1 रन। 6.2 ओवर के बाद आरसीबी 61 एक विकेट पे। ओवर की तीसरी गेंद लेकर के आ रही है कंवर, लाइटेड डिलीवरी, लेग स्टंप की गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पे खेला है आगे बढ़ करके बल्लेबाज ने, मिलेगा सिंगल।
और अब वापस से डिवाइन आ चुके हैं स्ट्राइक पे। पहले तीन गेंदों पे तीन सिंगल्स आए हैं, देखना है चौथी गेंद पे क्या होता है। की चौथी गेंद लेकर के आती हुई कंवर राइट हैंड डिलीवरी लेग स्टंप की लाइन, एक बार फिर से अच्छी गेंद, कोई रन नहीं आता हुआ। तो पहली चार गेंदों पे सिर्फ तीन रन आए हैं, आखिरी दो गेंदों पे देखना है क्या कुछ होता है। अगली गेंद आती हुई, ओहो आगे फटकी हुई गेंद, कोई मौका नहीं दे रही है रूम बनाने का कंवर, कोई रन नहीं आता हुआ। तो अब तक का बेहतरीन ओवर कवर का यह आता हुआ, अंतिम गेंद डालेंगे, सामने है डिवाइन। और इस गेंद पे भी कोई रन नहीं, तो आखिरी के तीन गेंदों पे तीन डॉट्स आए हैं, मात्र तीन ही रन आया है इस ओवर से। सात ओवर के बाद आरसीबी विमन 62 एक विकेट के नुकसान पे। तो बचे 13 ओवरों पे यानी कि 78 गेंदों पे आरसीबी को जीतने के लिए बनाने हैं 140 रन। चलिए अब आठवें ओवर की तरफ बढ़ते हैं। एलिस पेरी रहेंगे स्ट्राइक पे और अब यहां से रन रेट जो है वो लगभग 11 रन प्रति ओवर का पहुंच चुका है। मुझे लगता है शायद अगले ओवर पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आने वाली है। चलिए आठवें ओवर की होगी शुरुआत। स्नेह राणा खुद आई हैं गेंदबाजी करने के लिए, कप्तान स्नेह राणा की गेंदबाजी, सामने है एलिस पेरी। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला है, गेंद वापस से स्नेह राणा के ही पास, कोई रन नहीं आता हुआ पहली गेंद से। ओवर की दूसरी गेंद के साथ आते हुई स्नेह राणा, बैटर डिलीवरी और आगे बढ़कर के इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पे खेल दिया गया है। लॉन्ग ऑफ पे खड़ी मानसी ने इस गेंद को रोका, मिलेगा एक रन। तो दोस्तों कल का मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियंस के बीच। तो दो बड़े महानगरों के बीच मुकाबला है वुमेन्स प्रीमियर लीग का मुकाबला नंबर 7। ओवर की अगली गेंद आती हुई फ्लाइटेड डिलीवरी, इस गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया है, कोई रन नहीं मिलता हुआ। 7.3 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी विमन 63 रन है एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद, इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पे, मिलेगा एक रन। 7.3 ओवर और आरसीबी का स्कोर 64 एक विकेट के नुकसान पे। स्नेह राणा अपनी पांचवी गेंद के साथ स्ट्राइक पे पेरी। धर्मराज यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एड पियर पतन जी जुड़ चुके हैं जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ विजय कुमार हैं, अमन यादव हैं, ओंकार यादव हैं, अजब गजब फनी वीडियो है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सभी मित्रों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और की अगली गेंद, इस गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट पे, पहला रन तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए भाग पड़ी है और पूरा भी किया। और इस सिंगल के साथ आरसीबी का स्कोर हो चला है 66 रनों का। 8 ओवर बीत गए हैं, आरसीबी ने बनाए 66 रन, यहां से अब 72 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए 136 रन। रिक्वायर्ड रन रेट है 11.33 का। स्नेह राणा के पहले ओवर से मात्र 4 ही रन है। एलिस पेरी और डिवाइन काफी संभल करके बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ कल मुकाबला है यश भाई, कल मुकाबला है, टेस्ट मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, पहला टेस्ट मुकाबला। सुबह से ही हम लोग जुड़ जाएंगे हमारे मेन चैनल KM पंख पे, आप लोग वहाँ ज़रूर आइएगा। तो चलिए अब सदरलैंड आ चुकी हैं, सदरलैंड करेंगी अपना दूसरा ओवर। पहले ओवर से 14 रन आए थे,
अपने दूसरे ओवर के साथ आते हुए एनाबेल सदरलैंड स्ट्राइक पे है, बल्लेबाज सोफिया डिवाइन। मेन चैनल नेम इज के एम पंक। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा पे एक रन के लिए। 8.1 ओवर के बाद आरसीबी विमन 67 एक विकेट के नुकसान पे। हरलीन देवल नंबर 3 पे पहुंच गई है सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में। वहीं हेली मैथ्यूज नंबर 2 और 1 नंबर पे है मेग लेनिंग। और कल मेग लेनिंग दिखेंगी और हेली मैथ्यूज, दोनों ही कल दिखने वाली है मुकाबले पे। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच कल का मुकाबला होगा विमेंस प्रीमियर लीग का। चलिए इस बीच सदरलैंड आ रही है गेंदबाजी के लिए और एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर की गेंद, गेंद गई है सीधा फाइनल की दिशा पे 4 रन के लिए। आठ दस मतलब 2 ओवर के बाद आरसीबी विमन 71 रन एक विकेट के नुकसान पे। तो यहां से 70 गेंदों पे चाहिए 131 रन। ओवर की तीसरी गेंद सदरलैंड की स्ट्राइक पे रहेंगी एलिस पेरी। के एम पंक, के एम और इसके बाद पी यू एन के पंक है वो नाम, पी ए नहीं पी यू एन के है। अगली गेंद मिलेगा एक रन। 8.3 ओवर आरसीबी विमन 72 एक विकेट के नुकसान पे। यहाँ यही सही है, वैभव भाई ने लिख दिया है। ओवर की चौथी गेंद के साथ सदरलैंड स्ट्राइक पे डिवाइन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, इस गेंद को खेला है मिड ऑफ क्षेत्र पे, फील्डर मौजूद, मिलेगा एक रन। अब तक 4 गेंदों पे 7 रन है, देखना आखिरी 2 गेंदों पे क्या होता है। 5वीं गेंद के साथ ओवर द विकेट से एनाबेल सदरलैंड आती हुई सामने है एलिस पेरी। सरिता जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर लाइक करें वीडियो को। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट पे, फील्डर वहां मौजूद, कोई रन नहीं आता हुआ। तो आज एलिस पेरी काफी संभल करके बल्लेबाजी कर रही हैं और इनका स्ट्राइक रेट अमूमन काफी ज्यादा होता है, पर आज के मुकाबले में 12 गेंदों पे इन्होंने सिर्फ 15 रन ही बनाए हैं। और की अंतिम गेंद सदरलैंड की स्ट्राइक पे एलिस पेरी। शॉट पिच डिलीवरी पुल कर दिया बहुत ही ताकतवर तरीके से, पर मिड विकेट पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग हुई है। मिलेगा एक रन। 8 रन आए इस ओवर से, 9 ओवर बीत चुके हैं। आरसीबी विमन 74 रन एक विकेट के नुकसान पे। तो चलिए अब 11 ओवर पे बनाने 128 रन, 66 गेंदों पे बनाने हैं 128 रन। देखना है किस तरह से इस पारी को एलिस पेरी और डिवाइन आगे बढ़ाने वाली है। के एम पंक आपको नहीं दिख रहा है, वैभव भाई ने नाम लिख दिया था, यश भाई आप उस नाम पे जाइए और चेकआउट कीजिए, या हमारे के एम स्पोर्ट्स के चैनल सेक्शन पे जाएंगे तो आपको वहां दिख जाएगा। और इस वक्त दोस्तों मैं बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला है वह सुबह से होगा और उसका भी लुत्फ हम लोग साथ में उठाने वाले हैं। चलिए अब 10वें ओवर की होगी शुरुआत।
9 ओवर के बाद आरसीबी वेमन का स्कोर है 74 रन का एक विकेट के नुकसान पे। डिवाइन और पेरी काफी संभल करके बल्लेबाजी कर रही हैं। इन्होंने 22 गेंदों पे मिलकर के 20 रन बना लिया है। सभी मित्रों से आग्रह, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। तो चलिए अब शुरुआत होने वाली है मुकाबले की। वापस से 10वें ओवर की होगी शुरुआत। अच्छा, इस पे मेन चैनल नहीं है क्या? ओहो, मैं कर लूंगा जरूर। तो चलिए अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे गेंदबाजी पे स्नेह राणा आ रही हैं अपने अगले ओवर के साथ। तो अब ओवर की पहली गेंद स्नेह राणा लेकर के आती हुई, लाइटेड डिलीवरी, इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला, गेंद वापस गई स्नेह राणा के ही पास। एलिस पेरी इस वक्त क्रीज पे मौजूद। ओवर की दूसरी गेंद स्नेह राणा की, गेंदबाजी पे है एलिस पेरी। ऐसा लग रहा है कि स्नेह राणा की हाथ में चोट आ गई है दोस्तों। अपनी पहली गेंद को रोकने के क्रम में चोटिल हो गई है। एलिस पेरी ने एक ताकतवर शॉट जड़ा था, स्ट्रेट ड्राइव मारा था और गेंद सीधा स्नेह राणा के ही हाथ में जाकर के लगी है। और ऐसा लग रहा है कि उनकी उंगलियों पे चोट लगी है। अब देखना है कितना गहरा यह चोट है। ओहो, ऐसा लग रहा है कि चोट की वजह से लगता है उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है। फिजियो आ गई है ग्राउंड पे। तो चलिए, अगर ऐसा होता तो गुजरात के लिए सेटबैक हो सकता है क्योंकि स्नेह राणा मिडल ओवर्स पे बहुत ही शानदार गेंदबाजी करती हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें चोट लगती है तो यह निराश कर देने वाली बात होगी गुजरात के लिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। इस बीच सभी मित्रों से मैं बता दूं कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत होगी और पहले दिन का खेल पहले सत्र से ही हम लोग लुत्फ उठाएंगे KM पंक के चैनल पर। आप लोग जरूर अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा लग रहा है कि शायद स्नेह राणा को वापस जाना पड़ेगा। यहां स्नेह राणा काफी ज्यादा चोट पे लग रही हैं और शायद वह नहीं कंटिन्यू कर पाएंगी। तो इससे पहले दोस्तों इनकी जो कैप्टन है वो भी चोटिल हुई हैं और अब स्नेह राणा जो कि कप्तान थी और जिन्हें कप्तानी करने का यहां पर मौका मिला, अगर वो भी चोटिल हो जाती है तो गुजरात के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में हरलीन देवल एक विकल्प है दोस्तों कप्तानी का, देखते हैं, पर शायद स्नेह राणा फिट हो जाएंगी मेरे हिसाब से। तो ऐसा लग रहा है गेंदबाजी के लिए भी आ रही हैं स्नेह राणा, वाह क्या बात है। एक पहली स्पेरी गेंदबाजी पे रहेंगी स्नेह राणा। yeah.
तो चलिए यहाँ पे बैंडेज लगाया गया है स्नेह राणा की उंगलियों पे, गेंदबाजी पे स्नेह राणा, बल्लेबाजी पे एलिस पेरी। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है डॉन की दिशा पे, फील्डर वहां मौजूद है, कोई रन लेने का मौका नहीं। तो दो गेंदों पे कोई रन नहीं आया इस ओवर से। अटैकिंग मुद्रा में मौजूद एलिस पेरी, मुझे लगता है तीसरी गेंद पे बड़ा शॉट जरूर लगेगा। और ये लीजिए, इस गेंद पे पड़ गया है चौका, बहुत ही शानदार शॉट, गेंद गई है कवर की दिशा पे चार रन के लिए। तो यश भाई पूछ रहे, भाई आपके सब्सक्राइबर कितने हैं केएम पंक चैनल पे? उस पे 6,40,000 सब्सक्राइबर होंगे लगभग। नौ दशमलव चार ओवर बीच जाने के बाद आरसीबी का स्कोर 79 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद पे सिंगल लेकर के एलिस पेरी ने अब स्ट्राइक डिवाइन को दे दी है। तो रन गड़ती जो चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट वो बढ़ता जा रहा है दोस्तों, 11.90 पे पहुंच चुका है। और ये अगली गेंद, इस गेंद को मिडॉन की दिशा पे खेल दिया गया है सिंगल के लिए। 9.5 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी विमन 80 रन है एक विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद स्नेह राणा की, स्ट्राइक पे एलिस पेरी। और ये लीजिए, अगली गेंद वाइड हो गई है, लेग स्टंप के बाहर गई गेंद, लेगा एक एक्स्ट्रा रन आरसीबी को। .5 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी विमन 81 एक विकेट के नुकसान पे। यह आवाज चैनल भी है। अगली गेंद, इस गेंद को खेला मिड ऑफ की दिशा पे, फील्डर ने इस गेंद को पकड़ा तो जरूर, पर एक रन जरूर मिलता हुआ। 8 रन है इस ओवर से, 10 ओवर बीत गए हैं। आरसीबी विमन 82 रन एक विकेट के नुकसान पे। सभी मित्रों से आग्रह करूंगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए अगली गेंद की तरफ बढ़ते हैं और अगला ओवर यहां पर लेकर के आ रही हैं कंवर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस गेंद को खेला पॉइंट की दिशा पे, बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलता हुआ। तो एलिस पेरी देखा जाए तो आज काफी धीमी गति के साथ बल्लेबाजी कर रही है, और इस गेंदों पर इन्होंने 22 रन बनाए हैं। दूसरी गेंद के साथ कवर, स्ट्राइक पे एलिस पेरी। कदमों का इस्तेमाल, इस गेंद को मिड ऑन पे खेला है, लॉन्ग ऑन पे गेंद गई है, मिलेगा एक रन। 10.2 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी विमन ने बना लिए हैं 83 रन एक विकेट के नुकसान पे। ओके यश भाई, कल जरूर मिलेंगे। शौकत अली जी जुड़ चुके हैं। ओवर की तीसरी गेंद, इकबाल भाई का इकबाल स्पोर्ट्स है चैनल का नाम। और की तीसरी गेंद के साथ कमर, स्ट्राइक पर रहेंगे एलिस पेरी। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है, मिलेगा एक रन। तो 57 गेंदों पे यहां से आरसीबी को जीतने के लिए बनाने हैं 118 रन। तो चलिए काफी, ओहो स्नेह राणा देख पा रहा हूं कि वह डगआउट पे चली गई है, लगता है आज का मुकाबला शायद ही खेल पाएंगी। अगली गेंद मिड विकेट पे, इस गेंद को खेला गया है एक रन के लिए,
स्ट्राइक पे डिवाइन आती हुई 10.4 ओवर के बाद आरसीबी विमन 85 रन है एक विकेट के नुकसान पे आखिरी दो गेंदों पे देखना है क्या कुछ होता है। अगली गेंद इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पे खेला बल्लेबाज ने मिलता हुआ दो रन 10.5 ओवर के बाद आरसीबी विमन 87 एक विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद आने वाली है कंवर की और अब तक सिर्फ 5 रन आए हैं इस ओवर से और एलिजा आखिरी गेंद से भी एक ही रन आता हुआ 11 ओवर बीत गए हैं। आरसीबी वुमन का स्कोर 88 रन है एक विकेट के नुकसान पे। तो यहां से 9 ओवर का खेल बाकी 54 गेंदों पे चाहिए 114 रन और रिक्वायर्ड रन रेट अब लगभग 13 रन प्रति ओवर तक पहुंच चुका है तो कहीं यह धीमी रफ्तार परेशानी का सबब ना बन जाए आरसीबी के लिए। तो अब देखना अगला ओवर कौन करता है। श्री हराना तो अब चोट की वजह से बाहर चली गई है। तो यहां से 9 ओवर का खेल बाकी और मानसी जोशी को लगा दिया गया है गेंदबाजी पर अपना पहला ओवर करेंगे। इनके सामने है डिवाइन। डिवाइन ने 31 गेंदों पे 40 रन बनाए हैं 10 रन दूर अपने अर्धशतक से। तो MJ मानसी जोशी आ चुकी हैं गेंदबाजी पे। ओवर की पहली गेंद आती हुई तेज गेंदबाज मानसी जोशी ओवर द विकेट से आती हुई अपना पहला गेंद करेंगी। स्टंप की लाइन इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पे डीप पे फील्डर मौजूद। सदरलैंड ने तेजी के साथ गेंद को थ्रो किया है एक ही रन मिल पाएगा बल्लेबाज को। डिवाइन का स्कोर 41 अब स्ट्राइक पहले स्पेरी आ चुकी है। गेंद बहुत ही शानदार शॉट गेंद गई है 4 रन के लिए। मानसी जोशी की दूसरी गेंद को खेल दिया है फाइनल लेग की तरफ एलिस पेरी ने 4 रन के लिए। और की तीसरी गेंद करते हुए मानसी जोशी बल्लेबाजी पे है एलिस पेरी। और ये लीजिए एक और चौका इस बार थर्ड मैन की दिशा पे बहुत ही शानदार प्लेसमेंट एलिस पेरी का। ग्यारह 10.3 ओवर के बाद आरसीबी 97 रन एक विकेट के नुकसान पे। देखती देखते 32 पे पहुंच चुकी हैं पेरी। ओवर की चौथी गेंद लेकर के आती हुई मानसी जोशी और अपनी ही गेंद पे इस गेंद को रोक लिया है। अच्छी फील्डिंग आती हुई 11.4 ओवर के बाद आरसीबी विमन 97 रन एक विकेट के नुकसान पे। मानसी जोशी की पांचवी गेंद सामने है बल्लेबाज एलिस पेरी। रूम बनाया इस गेंद को खेला पॉइंट की दिशा पे ठीक फील्डर के पास गेंद गई है और आउट हो गई एलिस पेरी।
बहुत ही बड़ी सफलता गुजरात को मिलती हुई। डेंजर बल्लेबाज एलिस पेरी 32 रन के स्कोर पे हो गई है आउट। मानसी जोशी को मिली सफलता और इसी के साथ 11.5 ओवर के बाद आरसीबी विमन का स्कोर 97 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो देखा जाए तो अब आरसीबी की स्थिति थोड़ी सी नाजुक तो बनती हुई दिख रही है। बहुत ही गलत समय पे एलिस पेरी आउट हो गई है। इन्होंने 25 गेंदों पे 32 रन बनाए और 5 चौका जड़ा। आखिरी गेंद मानसी जोशी की सामने रहेंगी नई बल्लेबाज। देखना वो नई बल्लेबाज कौन है। वो नई बल्लेबाज है ऋचा घोष। तो ऋचा घोष भी ताकतवर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानती है। काफी युवा है और काफी टैलेंटेड खिलाड़ी ऋचा घोष। तो शेफाली वर्मा और ऋचा घोष दो शानदार प्रतिभा जो कि भारतीय टीम के लिए खेला करती हैं। अब खेल रही हैं ऋचा घोष आरसीबी के लिए। गेंदबाजी पे मानसी जोशी ओवर की आखिरी गेंद आती हुई ओ बीट हुई है बल्लेबाज। 12 ओवर के बाद आरसीबी 97 2 विकेट के नुकसान पे। चलिए 12 ओवर आरसीबी का स्कोर 97 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 48 गेंदे बाकी। जीतने के लिए चाहिए 105 रन। और अभी भी एलिस पेरी के आउट होने के बाद ऋचा घोष आई है मैदान पे। तो प्रतीक भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यश भाई हैं, क्रांति वीर सिंह हमारे साथ, अमन यादव हैं, सोनू जी हैं, धर्मराम जी हैं, अजब गजब फनी वीडियो है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों अगर आपने अभी अभी इस वीडियो को देखा है तो, अगर देख रहे हो तो। अगली गेंद और इस गेंद को उठा करके खेला है डिवाइड ने 4 रन के लिए। तो स्नेह राणा आई है वापस से। उनकी पहली गेंद पे पड़ गया है चौका। 12.1 ओवर आरसीबी वुमन 101 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक मिनट दोस्तों, स्नेह राणा यहां पे गेंदबाजी नहीं कर रही हैं, सदरलैंड कर रही हैं गेंदबाजी। एक मिनट दोस्तों, किम गार्थ है या फिर ये सदरलैंड है, मैं आपको कंफर्म करता हूं। किम गार्थ कर रही हैं गेंदबाजी। अगली गेंद यॉर्कर गेंद, कोई रन नहीं आता हुआ। भारत 10.2 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 101 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद होगी किम गार्थ की, सामने है डिवाइन। गेंद, इस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा पे। बहुत ही शानदार शॉट डिवाइन के बल्ले से आता हुआ और इस चौके के साथ डिवाइन पहुंच गई 49 पे। सिर्फ 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई। yep. 12.3 ओवर के बाद आरसीबी विमन 105 रन 2 विकेटों के नुकसान पे।
इसी के साथ डिवाइन ने सिंगल के साथ अर्धशतक पूरा कर लिया है। डिवाइन ने 36 गेंदों पे पूरा किया अपना अर्धशतक 12.4 ओवर के बाद आरसीबी वुमन 106 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद लेकर के अतवी किमगार्थ इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा पे, फील्डर वहां मौजूद। 12.5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 106 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। गार्थ की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, बीट हुई है बल्लेबाज ऋचा घोष। तो ऋचा घोष ने 3 गेंदों का सामना किया, अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। 13 ओवर बीत जाने के बाद आरसीबी का स्कोर 106 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो 14वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी पे स्नेह राणा आ सकती हैं। जी हां, स्नेह राणा कर रही हैं गेंदबाजी, अपना तीसरा ओवर की पहली गेंद और गेंद गई है फाइन लेग की दिशा की तरफ, मिलेगा 1 रन। तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वह लगभग 14 रन प्रति ओवर की औसत पे पहुंच चुका है। तो हर एक ओवर पे 14 रन बनाने हैं लगभग अगर जीतना है यह मुकाबला आरसीबी को। तो अगली गेंद और इस गेंद पे चौका पड़ गया है, स्नेह राणा की गेंद पे ऋचा घोष ने मार दिया है चौका थर्ड मैन की दिशा पे। ओवर की चौथी गेंद स्नेह राणा की, स्पाइक पे ऋचा घोष, और ये लीजिए अगली गेंद पे एक और चौका, 2 गेंदों पे 2 चौका लगाती हुई ऋचा घोष। अगली गेंद ओवर की आखिरी गेंद, स्नेह राणा लेकर के आती हुई स्ट्राइक पे है डिवाइन। स्नेह राणा ने 3 ओवर की गेंदबाजी पे 23 रन दिए हैं और अब तो फिर डिवाइन काफी शानदार बल्लेबाजी कर रही हैं, 38 गेंदों पे अर्धशतक लगा के 52 रनों के साथ खेल रही हैं। 14 ओवर बीत चुके हैं, आरसीबी का स्कोर 117 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। यहां से 36 गेंदों पे चाहिए 85 रन, तो देखा जाए तो जो धीमी बल्लेबाजी हुई है वह शायद सरदर्द साबित हो सकती है।
आरसीबी के लिए। तो चलिए देखना है क्या कुछ होगा दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब 15वें ओवर की शुरुआत। सामने है बल्लेबाज डिवाइन और अब यहां से हर एक ओवर पे 14 से भी ऊपर रन बनाने पड़ेंगे अगर आरसीबी को यह मुकाबला जीतना है तो। और हम देख पा रहे हैं कवर आ चुकी हैं अपने अगले ओवर के साथ, अपना चौथा ओवर करेंगी। स्ट्राइक पे है डिवाइन। पहली गेंद, इस गेंद को उठा दिया है बहुत ही शानदार तरीके से, लॉन्ग ऑन की दिशा पे गेंद गई है फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का डिवाइन के बल्ले से आता हुआ। 14.1 ओवर के बाद आरसीबी विमन ने 123 दो विकेट के नुकसान पे। ओवर की दूसरी गेंद करेंगी कवर, सामने है डिवाइन। कल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हम देखने वाले हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मुकाबला। और हर हाल में भारत को वह मुकाबला जीतना है अगर WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना हो तो। ओवर की दूसरी गेंद पे मिला है सिंगल, तीसरी गेंद कवर की। स्ट्राइक पे रहेंगी इस बार ऋचा घोष। अगली गेंद, इस गेंद को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे। मानसी जोशी ने उस गेंद को रोका, कोई रन नहीं आता हुआ। आखिरी तीन गेंदों पे देखना है क्या होता है। कवर की चौथी गेंद, स्ट्राइक पे घोष। ओहो बहुत ही बढ़िया शॉट खेला तो जरूर है पर डीप पे फील्डर मौजूद। लेग की दिशा पे गेंद गई थी, मिलेगा एक ही रन स्ट्राइक पे। अब वापस से डिवाइन आती हुई, अब तक 4 गेंदों पे 8 रन है कवर के। इस ओवर से देखना है पांचवी गेंद पे क्या होता है। गेंदबाजी पे कवर, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, सामने है डिवाइन, दाएं हाथ की बल्लेबाज। अगली गेंद और ऐसा लग रहा है कि स्टंप कर दी गई है बल्लेबाज, हालांकि अंपायर की तरफ इशारा गया है पर जिस प्रकार से विकेट कीपर खुश हो रही है उनके हिसाब से उन्होंने स्टंप कर दिया है डिवाइन को। और ऐसा लग रहा है डिवाइन ने वॉक करना भी चालू कर दिया है, देख रहा है थर्ड अंपायर का क्या इशारा आता है। तो ऐसा लग रहा है कि आउट नहीं हुई है। यहां दोस्तों यहां पर आउट नहीं हुई है। 15 ओवर बीच जाने के बाद आरसीबी का स्कोर 125 रन दो विकेट के नुकसान पे। तो आखिरी 5 ओवर बाकी है, 30 गेंद बाकी जीतने के लिए 77 रन। यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है आखिरी के ओवरों पे। चलिए अब 16वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। ऋचा घोष और डिवाइन, देखना है क्या आरसीबी को जीत दिला पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं।
हेलो ममता शर्मा जी जुड़ने के लिए धन्यवाद, और साथ नवजोत कुमार भी जुड़ चुके हैं। डिवाइन जो कि हमारी कप्तान है बहुत ही शानदार फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है, वहीं एशली गार्डन को हमने कप्तान बनाया था। तो चलिए, हमने जो दूसरी टीम आपको भेजी थी उस पर हमने कप्तान बनाया था कोफी डिवाइन को, और क्या शानदार बल्लेबाजी कर रही। तो कप्तान का चयन हर एक हमारी टीम को अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से, तो हमारी जो कप्तान है वह टॉप की परफॉर्मर भी हो रही हैं। हरमनप्रीत कौर हरलीन देओल को नहीं लिया, वो गलती कर दी थी, वरना हमारा 1 करोड़ जीतना तो तय था। और ये लीजिए अगली गेंद, और ऐसा लग रहा है कि एशली गार्डनर ने विकेट ले लिया है ऋचा घोष का, होल्ड कर दिया है एशली गार्डनर ने ऋचा घोष को, हमारी टीम की उपकप्तान है, और क्या शानदार तरीके से इन्होंने विकेट लिया है अभी अभी एशली गार्डनर ने। हेलो अर्निंग दीपक, आपका स्वागत है। चलिए अब नाइट आ चुकी हैं अगली बल्लेबाज, इस वक्त आरसीबी की स्थिति नाजुक होती हुई दिख रही है, 29 गेंदों पे चाहिए 77 रन। अगली गेंद लेकर के आती हुई गार्डनर, और एक बार फिर से अच्छी गेंद, बाल बाल बची बल्लेबाजी, एक बार फिर से बोल्ड होते होते, इससे पहले ऋचा घोष को भी बोल्ड किया था इन्होंने। 271 मुकाबले पे 6634 रन है नाइट के, और 39 अर्धशतक है, काफी बेहतरीन बल्लेबाज है नाइट। और की अगली गेंद, इस गेंद को उठा करके खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, लेगा 1 रन। दशमलव 4 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 127 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद, इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा पे खेल दिया गया है 4 रन के लिए। ओवर की आखिरी गेंद, गार्डनर की स्ट्राइक पे रहेंगी नाइट। और ये लीजिए अगली गेंद, एक बार फिर से उठाती हुई इस गेंद को 4 रन के लिए। तो नाइट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी है।
16 ओवरों के बाद आरसीबी वुमन 135 तीन विकेट के नुकसान पे। तो बचे 4 ओवरों पे देखना है क्या कुछ होता है दोस्तों। आखिरी 4 ओवर 24 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 67 रन। एनाबेल सदरलैंड अपने तीसरे ओवर के साथ सामने है सोफिया डिवाइन। अगली गेंद उठा करके खेल दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से फॉर दी मैक्सिमम शानदार छक्का आ चुका है। तो अब यहां से 23 गेंदों पे चाहिए 61 रन। ओवर आरसीबी का स्कोर 141 तीन विकेट के नुकसान पे। ओवर की दूसरी गेंद सदरलैंड की स्ट्राइक पे है डिवाइन और लीजिए अगली गेंद एक बार फिर से उठा दिया है लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं आउट हो जाएंगी डिवाइन। सदरलैंड को मिल गई है सफलता। ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 141 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 22 गेंदों पे अब चाहिए 61 रन। बहुत ही बड़ा विकेट मिल चुका है सेट बल्लेबाज डिवाइन का विकेट मिल चुका है दोस्तों। तीसरी गेंद इस ओवर की सदरलैंड करेंगी गेंदबाजी सामने है डिवाइन। सोफी डिवाइन अभी भी आउट हुई हैं और अब नई बल्लेबाज आएंगी ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगी। सेट बैटर आउट जी हाँ। तो अब आहूजा हो चुकी हैं कनिका आहूजा अगली बल्लेबाज। सदरलैंड देखना है क्या इन्हें भी आउट कर पाने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। गेंद ओहो ऐसा लगा आउट होते होते बच गई हैं या दोस्तों विकेट कीपर के बिल्कुल पास में गेंद गिरी थी हालांकि कैच नहीं ले पाई हैं सुष्मिता। तो 16.3 ओवर के बाद आरसीबी विमन 142 रन है 4 विकेट के नुकसान पे। और इसी बीच अगली गेंद और इस गेंद पे मिल जाएगा 2 रन। थर्ड मैन की दिशा पे वाइड पे 2 रन आता हुआ यानी कि 3 रन आएंगे पिछले गेंद से। सदरलैंड की गेंद ऑफ स्पिन के काफी बाहर थी कि विकेट कीपर भी नहीं पकड़ पाई उस गेंद को। 16.3 ओवर के बाद आरसीबी विमन 145 4 विकेट के नुकसान पे। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर काफी बाहर गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा पे शानदार 4 रन के लिए।
तो नाइट के बल्ले से आया चौका, 20 गेंदों पर बनाने हैं 53 रन। पांचवी गेंद के साथ सदरलैंड स्ट्राइक पे है नाइट। इस गेंद पर चाहिए 53 रन। अगली गेंद आती हुई ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, एक बार फिर से चौका, इस बार थर्ड मैन की दिशा पे चौका आया है। तो 10.5 ओवर के बाद आरसीबी भी बने 153, 4 विकेट पे, 19 गेंदों पे अब 49 रन चाहिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हो गई है। हेलो एचआर गेमर्स, आपका स्वागत है। अगली गेंद एक और वाइड, बहुत ही महंगा ओवर आता हुआ सदरलैंड का, 5 गेंदों पे 19 रन आ चुके हैं। सदरलैंड से हमें काफी उम्मीदें रहती है, पर अफसोस की बात अभी उनकी स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। और की अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन, इस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की दिशा पे एक और चौके के लिए। बहुत ही खराब ओवर एनाबेल सदरलैंड का, 23 रन आए इस ओवर से और अब 18 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए 44 रन। और दोस्तों इसी बीच आप जाइए हमारे दिए गए लिंक पे, ट्रेडेक्स ऐप को कीजिएगा डाउनलोड, क्योंकि आप इस गेम को खेलते हुए जीत सकते हैं ढेर सारे पैसे। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल रहा होगा, आप जाइए दिए गए लिंक पे, डाउनलोड कीजिए ट्रेड एक्स ऐप को, और जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे आपको कोड अगर मांगा जाता तो कोड डालिएगा GATE20, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन पे लिख दिया है। उस कोड को डालते ही आपको 20 रुपये का इंस्टेंट ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। 17 ओवर के बाद आरसीबी वुमन 158, 4 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए अब गेंदबाजी पे देखना कौन आता। 18वें ओवर की होगी शुरुआत, स्ट्राइक पे है आहूजा, कनिका आहूजा। स्नेह राणा आ गई है गेंदबाजी पे। पहली गेंद, रूम बनाया गेंद पे, मार दिया है चौका, कनिका आहूजा ने भी चौका जड़ दिया है। तो लगातार ताबड़तोड़ रन बनते जा रहे हैं, लगातार चौके की छक्के की बरसात हो रही है आरसीबी की तरफ से। 17.1 ओवर, आरसीबी वुमन 162 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर की दूसरी गेंद, स्नेह राणा की स्ट्राइक पे कनिका आहूजा। टॉस डिलीवरी, खोल दिया है इस गेंद को, पहले की दिशा पे फील्डर मौजूद, मिलेगा 1 रन। 17.2 ओवर के बाद आरसीबी 163 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे, और अभी मांग की जा रही है नो बॉल की। बाउंसर डिलीवरी थी, नो बॉल की मांग हो रही है, चैलेंज किया गया है इस गेंद को। ये फुल टॉस थी क्या? दोस्तों नो बॉल का इशारा आने वाला है।
नो बॉल को फिलहाल चेक किया जा रहा है, अगर नो बॉल होता तो आने वाली गेंद फ्री हिट हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा रन भी जाएगा। ऐसे गेंद डिप कर रही थी तो ऐसे में शायद नो बॉल ना भी मिले। तो चलिए ऐसे में नो बॉल नहीं दिया जा रहा है, रहराना अपनी तीसरी गेंद को करेंगी। अगली गेंद और इस गेंद पे रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, मिलेगा एक रन। अब तक 6 रन आए हैं पहली तीन गेंदों पे। 17.3 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 164 रन है 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद स्नेह राणा की, सामने है बल्लेबाज आहूजा। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं आता हुआ। तो स्नेह राणा कप्तानी गेंदबाजी कर रही हैं, चोटिल है पर आई हैं एन मौके पे गेंदबाजी के लिए, और अब तक सिर्फ 6 रन आए हैं पहली 4 गेंदों पे। 14 गेंदों पे अब 38 रन चाहिए। ओवर की 5वीं गेंद के साथ स्नेह राणा, सामने है आहूजा। इस बार रूम बनाया है, गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा पे, 4 रन मिलता हुआ। तो अब 10 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पे, देखना आखिरी गेंद पे क्या होता है। 17.5 ओवर, आरसीबी भी मैंने 168 4 विकेट पे। अगली गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया गया है, एक बार फिर से उसी उंगली पे चोट लगी है जिस उंगली पे पहले से ही चोट थी स्नेह राणा। 18 ओवर के बाद आरसीबी 169 4 विकेट पे। चलिए 19वें ओवर की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी 12 गेंदे, जीतने के लिए चाहिए 33 रन। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। और ये जी ऐसा लग रहा है कि स्टंप हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी कनिका आहूजा का विकेट गिर गया है। एशली गार्डनर को मिली तीसरी सफलता। यहां से अब 11 गेंदें बाकी, जीतने के लिए चाहिए 33 रन। तो यहां काफी करीब आ चुकी है बैंगलोर की टीम, नहीं चाहेगी हारना। अगली गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। 2 गेंदों पे कोई रन नहीं आया और एक विकेट भी मिला है। हिमनार कर रही हैं बल्लेबाजी, 37 मुकाबले पे 482 रन, 2 अर्धशतक है इनके करियर पे। इनको खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा पे, फील्डर मौजूद, मिलेगा एक रन और अब स्ट्राइक पे नाइट आ जाएंगी।
तो काफी रोमांचक मुकाबला हो चुका है। 9 गेंदों पे चाहिए 32 रन। अगर इस ओवर पे छक्के चौके नहीं पड़े तो मुश्किल में है आरसीबी की टीम। अगली गेंद लॉन्ग ऑफ पे, इस गेंद को खेल दिया है, एक रन मिलता हुआ। ४ ओवर बीत चुके हैं और आरसीबी ने बनाए हैं 171 रन 5 विकेट खो करके। और अब सब कुछ निर्भर करेगा नाइट को पर, किस प्रकार से इस पारी को आगे बढ़ाएंगी और क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगी या नहीं। एश्ली गार्डनर की तारीफ करनी पड़ेगी, अपने अनुभव का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने 3.5 ओवर की गेंदबाजी पे 25 रन देकर के 3 सफलताएं हासिल की हैं। आखिरी गेंद करती हुई गार्डनर स्ट्राइक पे हैं बल्लेबाज नाइट, और इस गेंद को उठा दिया लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा पे, गेंद गई है छक्के के लिए। तो अच्छे ओवर की समाप्ति छक्के के साथ होती हुई, 9 रन है इस ओवर से और अब आखिरी ओवर पे जीतने के लिए चाहिए 24 रन। तो काफी मजेदार मुकाबला चलता हुआ। उन्नीस ओवर के बाद आरसीबी वुमन 178 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर पे जीतने के लिए चाहिए आरसीबी को 24 रन। देखना है क्या कुछ होगा। चलिए अब नई गेंदबाज आने वाली है, आखिरी ओवर की शुरुआत होने वाली है। हेमनार रहेंगे स्ट्राइक पे, देखना है आखिरी 6 गेंदों पे क्या 24 रन बन पाते हैं या नहीं। और गेंदबाजी पे सदरलैंड आ चुकी हैं, इनके लिए यह मैच अच्छा नहीं गया है। देखना है आखिरी ओवर पे क्या मुकाबला जीता सकते हैं या नहीं। और ले लीजिए फाइन लेग पे गेंद गई है और बहुत ही शानदार कैच पकड़ लिया गया है, आउट हो गई है हेमनार, सदरलैंड को मिली सफलता। 19.1 ओवर आरसीबी विमन 178 6 विकेट के नुकसान पे। अब आखिरी 5 गेंदों पे चाहिए 24 रन, तो 3 छक्के तो अभी लगाने पड़ेंगे वरना यह मुकाबला आरसीबी हारती हुई नजर आ रही है। तो मिडल ओवर्स पे धीमी गति की बल्लेबाजी इस वक्त परेशानी में डालती हुई आरसीबी को। पांच गेंदें बाकी हैं, देखना है दूसरी गेंद पे क्या होता है। सदरलैंड की दूसरी गेंद स्ट्राइक पे, अब आएंगी नई बल्लेबाज, मुसीबत में आरसीबी की टीम।